विडंबक, पृथ्वी चक्र की शक्ति से पत्थर सेना खड़ी करो। ऐसी खूंखार सेना जो चीनी सेना का नामो निशान मिटा दे। जमीन की गहराइयों से चीन के विनाश की सेना खड़ी करो। क्रीम क्रीम पृथ्वीना सेनानी सेना, क्रीम क्रीम पृथ्वीना सेनानी शेतनाम सेना। भीम वायु चक्र की रक्षा के लिए वायु मठ जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि राजकुमारी किया अपने ड्रैगन को बुलाकर भीम और उनके दोस्तों की इस बहादुर काम में मदद करेंगे। हिडिंबक तुम्हें कभी वायु मठ तक पहुंचने नहीं देगा भीम। दुश्मन आ गया है। हिडिंबक आ गया भीम। आक्रमण! आक्रमण! संभल कर किया। चाहोगे इस हारती सेना को? भीम, हिडिंबक की दुष्ट सेना हम पर भारी पड़ रही है। राजकुमारी, जल्दी ड्रैगन ट्रोगो को बुलाइए। जल्दी जल्दी। ड्रैगन ट्रोगो ट्रोकार, ड्रैगन ट्रोगो ट्रोकार। आप आ गए हैं। जग्गू, तुमने अपनी जान पर खेल कर किया को बचाया। मैं आभारी हूँ। ड्रैगन, अभी महाराज की सेना को हमारी जरूरत है। नहीं! अगर चक्कू और ड्रैगन की मदद से भीम ये लड़ाई जीत गया, शैतान हिडिंबक का वही हाल करेगा जो कैफू का किया था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। दुष्ट हिडिंबक, अब तुम्हारा सामना अग्नि चक्र की शक्ति से होगा। नहीं सकता।
कभी भी आप सबको मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास ही रहूंगा। ये आपको पसंद करते हैं चिटकी? काश हम भी आपके साथ विषाम पर्वत आ पाते। आप घायल है किया, इसलिए हमारे साथ आप आ नहीं सकती, पर हमारा ड्रैगन और हमारी दोस्ती हमेशा आपके साथ होगी। बस बस बस, पता है कालिया जैसा हीरो किसी ने ना देखा ना देखेगा। अरे भाई बस। विषम पर्वत, हम आ रहे हैं। वायु चक्र और दुनिया की भलाई दोनों ही तुम्हारे हाथों में है भीम। जुहू आ रहा है, विषम पर्वत पर वापस, वायु चक्र और अपना हक हासिल करने। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? डोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे? हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे? उस्ताद आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीतते हैं। और हार के जीतने वाले को ही ककालिया कहते हैं।